तो दोस्तों, क्या आप आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट पासवर्ड सेट करना चाहते हो? भले आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन ना हो, फिर भी आप इसे सेट कर सकते हो। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखने और मैं जिस स्टेप के बारे में बताऊंगा उसको आपको फॉलो करते रहना, तो आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट पासवर्ड सेट कर सकते हो। टेक्निकल बनता है तो टेक बनता है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रोसेस, क्रोम ब्राउजर में आपको जाना है। जाने के बाद आपको सर्च करना है ब्लू फिंगरप्रिंट आइकन पीएनजी। आपको जो भी आइकन पीएनजी पसंद आता है उस पर क्लिक करके आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए उसको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाता है, तो दोस्तों उसे डाउनलोड कर लेना है। तो अभी हमें इस पीएनजी के बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है, इसलिए हम सर्च करेंगे रिमूव पीजी। उसके बाद इस वेबसाइट में चले जाएंगे। फर्स्ट वेबसाइट आप देख सकते हो, इसमें जाने के बाद अपलोड इमेज पर क्लिक करके जिस फाइल को डाउनलोड किया उसे अपलोड कर देना है। फिर आप देख सकते हो आपके जो आइकन पीएनजी का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी पिक्सार्ट एप्लीकेशन की। उसके पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन से वॉलपेपर पे आप फिंगरप्रिंट पासवर्ड सेट करना चाहोगे। तो दोस्तों, डिसाइड करने के बाद पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करें। यहाँ पे आपको उस वॉलपेपर को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड फोटो, उस पर क्लिक करके आपको उस आइकन पीएनजी को ऐड कर देना है। इस आइकन पीएनजी को कुछ इस तरह से बीच में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद राइट पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी कर देना है। जैसे आपकी पीएनजी गैलरी में सेव हो जाती है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी। इस एप्लीकेशन को आपको सर्च करने के लिए सर्च करना है टच लॉक स्क्रीन, या दोस्तों आप टच लॉक स्क्रीन फोटो पासवर्ड भी सर्च कर सकते हो। तो जैसे सर्च करोगे तो सेकंड एप्लीकेशन आप देख सकते हो टच लॉक स्क्रीन फोटो पासवर्ड, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। फोटो चेन पर क्लिक करने के बाद पिक्सार्ट एप्लीकेशन में हमने जिस फोटो को एडिट किया गया था उसे ऐड कर देना है। उसे कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करें, ओके पर क्लिक करें। अभी सेटअप करने के लिए जहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकन पीएनजी है वहाँ पर डबल टैप करें। कंफर्म पर भी आपको डबल टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिकवरी पासवर्ड सेट कर लेना है। अभी हमारा पूरा काम हो चुका है। तो दोस्तों, जब भी आपका फोन लॉक हो जाएगा उसे अनलॉक करने के लिए आपको बस जहाँ पे ब्लू फिंगरप्रिंट आइकन पीएनजी है वहाँ पर आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड के यूज करके आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट पासवर्ड सेट कर सकते हो विदाउट ऑप्शन के।